या इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वी एस नायपाल को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि वी एस नायपाल एक ऐसे राइटर है जो जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। रविंद्र टैगोर को भी अपने यहाँ से नोबेल प्राइज मिला हुआ था, लेकिन वी एस नायपाल अ वेरी वेल नोन नॉवलिस्ट रहे हैं, और उनके उनके जो दादा कहा जाए तो वो इंडियन बॉर्न के थे, यहाँ से उनका अपना संबंध था। और जो उनके वर्क है उनमें क्या क्या नजर आता है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास में जो सबसे मेन मुद्दा है वह किसको लेकर के है, वह जो है आपका वी एस नायपाल को लेकर के, या वी एस नायपाल को लेकर के हम बात करेंगे। तो लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड। तो उसमें एक तो ये चीज ध्यान में रखना है कि वी एस नायपाल, वी डॉट एस डॉट नायपाल, NAIPAUL, PAUL, वी एस नायपाल। वी एस नायपाल इनका जो जन्म है 1932 में हुआ है, 2018 में इनकी मौत हुई है। जब आप वी एस नायपाल को लेकर के बात करते हैं तो एक चीज हमेशा माइंड में रखना है कि वी एस नायपाल इंडियन बॉर्न के, इंडियन बॉर्न मतलब इनके दादा परदादा यहीं पे थे, लेकिन इनकी सारी एजुकेशन बाहर की हुई है। और आप देखेंगे कि इनका जो पूरा नाम है सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, एक तो जो पहला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट बनेगा कि सर विद्याधर, VIDIADHAR, सर विद्याधर सूरज प्रसाद, सूरज प्रसाद प्रसाद नायपाल वाज बोर्न NAIPAUL, नायपाल वॉज बॉर्न इन 1932। ये सब तो हम लोगों को पता है, लेकिन मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ कहाँ पे, इन चगुआनास इन त्रिनिदाद, इन CHAGUANAS, इन त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एक तो आप ये देखेंगे कि उनका जो जन्म हुआ था छगुआनास इन त्रिनिदाद, त्रिनिदाद कैरिबियन आइलैंड में, वहां पे। दूसरा पॉइंट है कि उनके जो फादर थे उनका क्या नाम था, श्री प्रसाद नायपाल, हिज फादर वॉज श्री प्रसाद नायपाल, श्री प्रसाद नायपाल, श्री प्रसाद नायपाल, एंड मदर इज द्रौपदी, द्रौपदी मीन्स एंड मदर वॉज द्रौपदी, DROPAPATII, द्रौपदी। बिलोंग्स टू कैपिलेडो फैमिली, बिलोंग्स टू कैपिलेडो फैमिली, CAPILEDO, कैपिलेडो फैमिली, FAMILY,
LY। उनके जो फादर थे और उनके ग्रैंड फादर, वो इंडिया में पैदा हुए थे और 1888 ईस्वी में वो त्रिनिदाद वगैरह में माइग्रेट कर गए, इमिग्रेट कर गए थे। नाउ द थर्ड पॉइंट, हिज ग्रैंड फादर, हिज ग्रैंड फादर इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू वर्क एज सर्वेंट्स इन त्रिनिदाद, टू वर्क एज सर्वेंट्स इन त्रिनिदाद, TRINIDAD, इन त्रिनिदाद, इन त्रिनिदाद सुगा प्लांटेशन, सुगा प्लांटेशन। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मैं सबसे पहले आपको फिर से लेके चल रहा हूँ आज की क्लास में, जो मैंने लिया हुआ है वी एस नायपाल को लिया है। वी एस नायपाल के जो फादर हैं उनका क्या नाम है, सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल वॉज, सॉरी इनका पूरा नाम था क्या, पूरा नाम था सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था आपको पहले ही बता दिया गया, 1932 में। मौत कब हुई है, 2018 में। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, छगुआ नाज इन त्रिनिदाद में हुआ था। इनके फादर का क्या नाम था, श्री प्रसाद नायपाल। मदर का क्या नाम था, द्रोवा पेटी, द्रौपदी हम कह सकते हैं, द्रौपदी बिलोंग्स टू कैपिलेडो फैमिली, कोई ऐसा वो बहुत जरूरी नहीं है कि किस। उनके जो ग्रैंड फादर थे इमिग्रेटेड इंडिया या फ्रॉम इंडिया टू वर्क एज सर्वेंट इन त्रिनिदाद सुगा प्लांटेशन। पहले बहुत सारे लोग यहाँ से वर्कर के रूप में यहाँ से ले जाए जाते थे सुगर प्लांटेशन के पर्पज से वहां पर। तो एक पॉइंट ये चीज देखने को मिलता है कि त्रिनिदाद सुगा प्लांटेशन। नाउ द सेकेंड पॉइंट की जो नायपाल थे, नायपाल फादर बिकेम एन इंग्लिश लैंग्वेज जर्नलिस्ट भी थे। उनका आर्टिकल था त्रिनिदाद गार्जियन में आता था। और जो नायपाल थे ये नेपाली ब्राह्मण बहुत एंसेस्ट्री, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन वो उतना बहुत मायने नहीं रखता। अभी की सीधे सीधे इस पे बात की जाए कि उनका एजुकेशन या और क्या क्या चीज़ें कैसे हुई हैं। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि जो नायपाल थे वो 1954 में लंदन चले जाते हैं। कब जाते हैं, 1954 में, कहाँ जाते हैं, लंदन। ही मूव्ड टू लंदन या ही वेंट टू लंदन, कब जाते हैं, 1954 में। एक चीज ये ध्यान में रखना, ही मूव्ड टू लंदन या ही वेंट टू लंदन इन 1954। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपको इसी किताब से भी मिल जाएगा। पांचवा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, वो इस चीज को ध्यान में रखना है कि उनकी जो मैरिज हुई थी वो किससे हुई थी, पैट्रिसिया एन हेल से हुई थी। ही मैरिड, ही मैरिड पैट्रिसिया, PATRICIA, PATRICIA, पैट्रिसिया, ही मैरिड पैट्रिसिया एंड हेल, एंड हेल, HALE, पैट्रिसिया एंड हेल, जिनका निक नेम पैट था। क्या नाम था, पैट, हर निकनेम वॉज पैट। लेकिन 1955 में मैरिज होती है, 96 में उनकी डेथ हो जाती है। और नायपाल ने अपना एक वर्क है जिसका नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास,
उनको डेडिकेट किया हुआ है। तो ही मैरिड पैट्रिसिया एंड हेल, और उनका निक नेम क्या था, पैट था। और ये मैरिज कब हुई थी, 1955 ईस्वी में ये मैरिज होती है, 1955 में। तो यू फाइंड दैट कि जो मैरिज हुई है ये मैरिज कब होती, 1955 में। और उनकी डेथ मतलब उनकी वाइफ की डेथ कब हो जाती, 1996 ईस्वी में, किसकी, दिस पैट्रिसिया एंड की। लेकिन उन्होंने अपना एक वर्क लिखा था, उस वर्क का नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, जो ये अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास रहा है ये उन्होंने किसको डेडिकेट किया हुआ है, ये उन्होंने उसको डेडिकेट किया, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ही डेडिकेटेड दैट मैन, दैट लेडी, नॉट मैन, दैट लेडी। अब अगर मैं इस पूरी चीज को देखूं तो एक चीज समझ में आता है कि उनकी जो मैरिज है पैट्रिसिया एंड हेल, PATRICIA, पैट्रिसिया ANN हेल HALE, जिसका निक नेम क्या है, पैट है। मैरिज कब होती है, 1955 में होती है, लेकिन इस लेडी की मौत 1996 में हो जाती है। और आप देखेंगे कि एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, दिस वर्क इज डेडिकेटेड टू दैट लेडी, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज डेडिकेटेड टू दैट लेडी, इज डेडिकेटेड टू दैट लेडी, इज डेडिकेटेड टू दैट लेडी। तो यू फाइंड दैट, व्हाट डू यू फाइंड दैट, यू फाइंड दैट कि ये सारी चीजें हुई है 1955, 1996, उसके बाद जो है उनकी मैरिज और उनका जो वर्क है वह यहाँ पे हुआ है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि 1996 ईस्वी में उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थी जिनका नाम नादिरा नायपाल था, उससे उन्होंने मैरिज किया। तो 1996 में जब उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, आई थिंक इज सिक्स पॉइंट, ही मैरिड MARRIED, ही मैरिड नादिरा नायपाल, नादिरा नायपाल इन 1996। अगर आप देखेंगे 1996 ईस्वी में उन्होंने नादिरा नायपाल से मैरिज की। जब आप इस चीज को देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वह कौन सा पॉइंट होता है कि दिस पार्टिकुलर जो कि फार्मर जर्नलिस्ट थी उनसे उन्होंने मैरिज किया, और ये घटना कब की है, 1996 की है। तो एक तरह से उनका एक लाइफ चलती रही। अब अगर हम उनके कारियर को देखें तो 1989 में उनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है, और उनका एक प्रोग्राम जो है BBC पर भी आता था, उसमें वो कैरिबियन वॉइसेस में, बीबीसी में एक प्रोग्राम था जिसका नाम था कैरिबियन वॉइसेस। तो उस कैरिबियन वॉइसेस में नायपाल को मतलब नायपाल ने अपनी बात को रखा हुआ था, तमाम चीजें रही है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें एक अगर मैं बात करूं 800 पॉइंट का, तो उस 800 पॉइंट में एक चीज है कि उनको नाइटहुड की उपाधि कब मिलती है, 1989 में, ही गॉट He got knighthood in 1989. He got knighthood in 1989.
नवा पॉइंट अगर आप देखेंगे कि उनको जो है 2001 में नोबल प्राइज मिला था, इन 2001 ही गॉट नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। फॉर लिटरेचर अगर आप एक नजर में देखेंगे तो हम बहुत छोटी छोटी हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेट है या थोड़ा आपके साथ जिक्र करने से वो चीजें जो है ताजा हो जाएगी। तो अगर अब मैं उसको पे बात करता हूँ तो रिमेम्बर दैट कि एक तो ही गॉट नाइटहुड, नाइटहुड उनको कब मिलता है 1989 में, 2001 में ही गॉट नोबल NOBLE नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, 2000 में उनको नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलता है, और बुकर प्राइज 1971 में मिला हुआ। तो दैट इज द 10th पॉइंट, आई थिंक ही 10th पॉइंट ही गॉट बुकर प्राइज इन 1971। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। अब सवाल ये उठता है कि उनका जो वर्क रहा है काफी अच्छा खासा वर्क है, काफी लंबा उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो दूसरा चीज है कि वो अपनी वाइफ के साथ 1962 में नेपाल और उनकी पत्नी इंडिया आए थे एक एक वर्ष की विजिट के लिए, वो यहाँ पे थे, बीच में भी उनका आना हुआ था, और इस तरह की चीजें रही हैं। तो उनको अपने वतन से काफी प्यार था, आना जाना उनका लगा हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उनके कुछ वर्क्स हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या उनके वर्क्स रहे, हिज वर्क्स में His work, WORKS, his work। जब भी आप उनके वर्क की बात करते हैं तो एक चीज आता है कि एक उनका वर्क था एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, दूसरा इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, वुंडेड सिविलाइजेशन, तीसरा इंडिया अ मिलियन म्यूनिटीज नाउ, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, नाउ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, नेक्स्ट है द मिमिक मैन, आठवां है द मिमिक मैन, नाइन मिस्टर स्टोन एंड नाइट्स कंपेनियन, मिस्टर स्टोन एंड द नाइट्स कंपेनियन के
NIGHT टाइप कंपेनियन। नेक्स्ट द सफरेज ऑफ इलवीरा, द सफरेज ऑफ इलवीरा 11 मैजिक सीट्स हाफ अ लाइफ हाफ अ लाइफ। नेक्स्ट ट्वेल्व जो भी नंबर होगा अवे इन द वर्ल्ड अवे इन द वर्ल्ड द इनिग्मा ऑफ अराइवल ये चीज पूछा जा चुका है द इनिग्मा ऑफ अराइवल ई एन आई जी एम ए द इनिग्मा ऑफ अराइवल द इनिग्मा ऑफ अराइवल। नेक्स्ट अ बेंड इन द रिवर अ बेंड इन द रिवर आर आई वी ई आर। नेक्स्ट गुरिल्लाज जी यू ई डबल आर आई डबल एल ए एस जी यू ई डबल आर आई डबल एल ए एस। नेक्स्ट अ फ्लैग ऑन द आईलैंड अ फ्लैग on the island so you find ki ye to inka jo tha fictional work tha main shuru se fir se isko lekar ke baat karunga taki ek bar ek nazar mein aur aa jaye ki kin kin cheezon ko maine liya hai. jab aap unke works ki baat karte hain to a house for mr vishwas aapko hamesha mind mein rehna chahiye. now his works mein sabse important cheez kya hai and सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो पहला आया हो नॉट इंपॉर्टेंट एन एरिया ऑफ डार्कनेस इंडिया ऑफ वाउंडेड सिविलाइजेशन दूसरा तीसरा इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि ये सब चीजें रही है और ये तीनों जो है क्या कही जाती है कि नेपाल की ट्रायलॉजी है किस पर ऑन इंडिया पर ये जो तीनों वर्क है ये उन्होंने इंडिया के ऊपर लिखा हुआ है इसलिए इसको क्या कहा जाता है नेपाल से ट्रायलॉजी ऑन इंडिया कि ये तीन वर्क है जो नेपाल के ऊपर है नेपाल ट्रायलॉजी ऑन इंडिया। मेरी बात समझ में आ रही है कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी कि जो फर्स्ट वर्क है जो सेकेंड वर्क है जो थर्ड वर्क है या ओके तो इसको क्या कहा जाता है इसको नेपाल से ट्रायलॉजी ऑन इंडिया कहा जाता है। इसका मतलब कि ये तीनों वर्क किससे रिलेटेड है ये तीनों वर्क जो है इंडिया से रिलेटेड है और ये नॉन फिक्शनल वर्क रहा है। ये तीनों वर्क कौन कौन से रहे मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये भी उन्होंने भारत की कल्चर भारत की संस्कृति भारत की सिविलाइजेशन पर लिखा इंडिया ऑफ वाउंडेड सिविलाइजेशन ये उसी से पता चला ये भी उन्होंने भारत के ऊपर लिखा तीसरा इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ ये भी उन्होंने इंडिया पर तो उनके तीन वर्क शुरू के जो है वो तीनों वर्क इंडिया से रिलेटेड है और इसको क्या कहा जाता है नेपाल से ट्रायलॉजी ऑन इंडिया। ट्रायलॉजी का मतलब होता है कि तीन इंपॉर्टेंट वर्क जो उनके साथ उसका कलेक्शन पूरा वो चीजें हैं। तो अगर कभी आता है कि नेपाल का जो इंडिया पर लिखा गया ट्रायलॉजी है
उसमें कौन कौन से हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा आपका एक इम्पोर्टेंट वर्ड जो मैंने बताया, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास है। यह जो था एक ऐसा वर्क है जो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को डेडिकेट किया हुआ है। ये चौथा उनका वर्क रहा है, और ये चौथा वर्क उन्होंने किसको डेडिकेट किया है, अपनी पहली पत्नी को, जिसका निक नेम पैट है। निक नेम क्या है? पैट रहा है। उनको उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है, और पूरा नाम था पैट्रिसिया एंड हेल। पूरा नाम था पैट्रिसिया एंड हेल, और निक नेम पैट, उनको उन्होंने डेडिकेट किया है। फिर यहाँ पे पांचवा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वो बदल गया है। नेक्स्ट वर्क उनका है द मिमिक मेन, MIMIC, द मिमिक मेन। दिस इज अनदर वर्क ऑफ दिस मैन, MIMIC, मेन MEN, द मिमिक मेन। 1967 में आया, आप नोट करना चाहे तो नोट करते चले कि द मिमिक मैन कब आया है, 1967 में आई हुई है, 1967 ईस्वी में। उसके बाद का जो वर्क है मिस्टर स्टोन एंड द नाइट्स कंपेनियन, मिस्टर स्टोन एंड द नाइट्स कंपेनियन। ये सब जो 8-9 जो नंबर है, ये 8-9 नंबर इनका जो है क्या है, फिक्शनल वर्क है। यहाँ से उनका फिक्शन शुरू होता है। उसके पहले तो उन्होंने ट्रायोलॉजी लिखा था उसको लेकर के। ये उनका जो फिक्शनल वर्क है उसमें एक है द मिमिक मैन, जो कब आई हुई है, 1967 में आई है। दूसरा है मिस्टर स्टोन एंड द नाइट कंपेनियन, 1963 में आई। कब आई है? 1963 में। तो इफ यू वांट टू राइट तो आप उसको लिख सकते हैं, अगर आपको जहां पे जगह मिले, 1963 में। और उसके ऊपर का जो आया हुआ था वो मैंने आपको बताया था 1967 में, मैंने आपको बताया था। सो इन दिस वे यू फाइंड, व्हाट यू फाइंड दीज वर्क की, ये आपका 1967 में, ये आपका 1963 में, दिस थिंग। फिर उनका एक और वर्क है द सफरेज ऑफ एल्विरा, SUFFREG, द सफरेज ऑफ एल्विरा, ELVIRA, एल्विरा, दिस इज एल्विरा, द सफरेज ऑफ एल्विरा, ये उनका वर्क रहा है। एंड द सफरेज ऑफ एल्विरा ये 1958 में आई है। कब आई है? 1958 में, इट केम इन 1958। उसके बाद नेक्स्ट वर्क था मैजिक सीड्स, यू फाइंड दैट की जो मैजिक सीड्स है 2004 में आई हुई है, रिसेंट वर्क रहा है, मतलब 21st सेंचुरी का वर्क उनका रहा है, द मैजिक सीड्स 2004 में। हाफ अ, उसके अलावा हाफ अ लाइफ 2001 में आई है, हाफ अ लाइफ, नेक्स्ट पेज पे हाफ अ लाइफ 2001 में आई है, हाफ अ लाइफ। नेक्स्ट वर्क है अवे इन द वर्ल्ड, अवे इन द वर्ल्ड 1994 में आई है, अवे इन द वर्ल्ड, इट केम इन 1994। नेक्स्ट वर्क है द इनिग्मा ऑफ अराइवल, द इनिग्मा ऑफ अराइवल, अ बेंड इन द रिवर, गुरिल्लास, अ फ्लैग ऑन द आइलैंड, अ फ्लैग ऑन द आइलैंड, गुरिल्लास, अ फ्लैग ऑन द आइलैंड। सो दीज थिंग्स यू फाइंड, दीज थिंग्स यू फाइंड कि क्या क्या चीजें रही है। तो अगर आप इन सब चीजों को देखते हैं या अगर आप इन सब चीजों को करते हैं तो यू विल कम टू नो कि ये चीजें काफी मायने रखती हैं, काफी इम्पोर्टेंट है, और उनके वर्क को हम कैसे समझ सकते हैं। अब इतना ज्यादा वर्क है कि मैं किसी, ऐसा नहीं कि किसी एक वर्क को मैं ले सर, सकूं। नाइपॉल्स वर्क हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास इज इट ऑटोबायोग्राफिकल? You can say it's autobiographical because most of the characters so whom you find in this novel, they have reflection, they have resemblance to their own family member, to his own family member. It's therefore we can say. ये उनका रहा है। और अगर आप उनका देखेंगे कि नॉन फिक्शन वर्क भी है, उस नॉन फिक्शन वर्क में काफी लंबा है, जैसे द मिडिल पैसेज है, और साउथ अमेरिका है,
और तीनों जो ट्रायलॉजी रहा वो भी तो नॉन फिक्शन में ही आएगा, तो उन तीनों को ही ध्यान में रखना है और बहुत ज्यादा चीजों को नहीं करना है। जोसेफ कॉनरेड का डार्कनेस एंड माइंड, चिन्हुआ अचिबी एंड इमेज ऑफ अफ्रीका रेसिज्म इन कॉनरेड, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ क्या उन लोगों पर भी लिखा हुआ है, तो वो चीज आपकी बुक में पेज नंबर 327 पे उनका नॉन फिक्शनल वर्क दिया गया, लेकिन वो उतना मेरी नजर में नहीं इम्पोर्टेंट है। जो तीनों इम्पोर्टेंट था जिसको कि ट्रायोलॉजी कहा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। मैं उनका एक वर्क लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ, और वो कौन सा वर्क है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। बाकी और भी कुछ चीजें हैं जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको और वर्क का मिलेगा, लेकिन जो अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास है उसमें मैं थोड़ा सा उसके कैरेक्टर्स को लेकर के और कुछ और चीजों को लेकर के ही मैं बात करूंगा। तो यू कैन जस्ट गो कि ऐसा नहीं बहुत डिटेल में, बट और उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर है उसको आप देख सकते हैं। तो एक उनका जो वर्क था उस वर्क का क्या नाम है, नेक्स्ट स्लाइड से मैं बात कर रहा हूँ, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। मिस्टर विश्वास कब आई थी, 1964 में, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1964। क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, सबसे पहला कि यह जो नावेल है इसने नेपाल को एक तरह से वर्ल्ड वाइड फेम इनको लाया जो है। एक तो ये ठीक अपनी जगह, और ये चीजें किसको डेडिकेट है, इनके डेडिकेट है फर्स्ट वाइफ नेपाल पैट्रिसिया को, किसको डेडिकेट है, नेपाल पैट्रिसिया को। तो एक पॉइंट एक क्वेश्चन बन सकता है कि द नावेल इज डेडिकेटेड, द नावेल इज डेडिकेटेड टू हिज फर्स्ट वाइफ, और वो फर्स्ट वाइफ का क्या नाम है, फर्स्ट वाइफ का नाम है नेपाल पैट्रिसिया। नेपाल पैट्रिसिया, PATRICIA। दूसरा है ये जो नावेल है, इट इज एन एपोकैलिप्टिक नावेल, इट इज एन एपोकैलिप्टिक नावेल, इट इज एन एपोकैलिप्टिक नावेल। एपोकैलिप्टिक नावेल वह होता है जो सेल्फ रिविलेशन होता है, एपोकैलिप्टिक नावेल जिसमें कहीं ना कहीं एक तो रिविलेशन होता है, और उसके अलावा उसमें स्पेशली जो फिक्शन साइंस फिक्शन का सिंबल है और हॉरर से रिलेटेड है, और उसमें ये चीज दिखाने की कोशिश की जाती है कि एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया तबाह हो जाएगी। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड, मैंने आपको साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो एपोकैलिप्टिक जो लिटरेचर है वह किससे जुड़ा है, साइंस फिक्शन से, हॉरर फिक्शन से, जिसमें तमाम तरह की बातें दिखाई जाती है कि क्लाइमेट चेंज है और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्या होगा, दुनिया तबाह हो जाएगी या इस तरह की चीजें होगी। सो वी फाइंड दिस थिंग कि इट इज एन एपोकैलिप्टिक नॉवेल। जो इस नॉवेल का कैरेक्टर्स है उनमें अगर आप देखेंगे कि मोहन विश्वास प्रोटेगोनिस्ट है। इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर यू विल कम टू द तीसरा पॉइंट, मोहन विश्वास, MOHAUN, मोहन विश्वास प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट दूसरा है शमा, द वाइफ ऑफ मिस्टर विश्वास, ऑफ मिस्टर विश्वास। तीसरा है बीप्ति,
BIPTIBP, मदर ऑफ मिस्टर विश्वास, मदर ऑफ मिस्टर विश्वास। नेक्स्ट राघु, राघु फादर ऑफ मिस्टर विश्वास। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग, तो मैं फिर से ले चलूंगा और उसमें आप देख रहे हैं कि मैं किसको लेके बात कर रहा हूं कि अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये कब आई है, 1964 में आई है। द नॉवेल इज डेडिकेटेड टू हिज फर्स्ट वाइफ, जो नॉवेल है डेडिकेट है किसको, पहली पत्नी को, नेपाल पैट्रिसिया। ये हमने बात किया था किसका एग्जाम्पल है, एपोकैलिप्टिक नॉवेल का या एपोकैलिप्टिक फिक्शन का। एपोकैलिप्टिक फिक्शन कैसा फिक्शन होता है, वह फिक्शन होता है जो हॉरर साइंस से या साइंस फिक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात होती है, और एक होता है कि डूम्सडे जैसा आएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, इस तरह की चीजें। इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, मोहन विश्वास है जो प्रोटेगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है, उनकी वाइफ शमा है जिनका नाम है द वाइफ ऑफ मिस द वाइफ ऑफ मिस्टर विश्वास, बीपी करके है, बीपी मदर ऑफ मिस्टर विश्वास, रघु है फादर ऑफ मिस्टर विश्वास। तो एक फैमिली है, उस फैमिली के लोगों को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। इसमें यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि हाउ टू प्रिवेंट एन एपोकैलिप्स, कैलिप्स आर एलियन इन्वेजन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर थीम को लेके हम बात करें तो थीम क्या आ रहा है, थीम जो है हाउ टू चेक, CHECK, हाउ टू चेक एलियन इन्वेजन, ALIEN, एलियन इन्वेजन, INVASION, एलियन इन्वेजन, हाउ टू चेक एलियन इन्वेजन, इसको लेकर के बात की जाती है। चेक का मतलब रोकना, अगर कोई एलियन का हमला होता है तो उसको कैसे रोका जाएगा, एक पॉइंट ये भी है। दूसरा चीज ये है कि इसमें कहीं ना कहीं कैटास्ट्रॉफ को लेकर के बात की गई है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाएगा तो क्या बनेगा, कैटास्ट्रॉफ, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफ। अगर कोई संकट आता है तो संकट का कैसे सामना किया जाएगा कि कैटास्ट्रॉफ, आफ्टर द कैटास्ट्रॉफ फोकसिंग ऑन द सर्वाइवर्स, कैटास्ट्रॉफ फोकसिंग ऑन द सर्वाइवर्स, फोकसिंग ऑन द सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स VI, सर्वाइव, फोकसिंग ऑन द सर्वाइवर, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बात की गई है। तो दो चीजें हैं, एक तो अगर एलियन का अटैक होता है तो कैसे उसे डिफेंड किया जाएगा, दूसरा चीज ये होता है कि अगर कोई संकट आता है तो संकट का कैसे सामना किया जाएगा, फिर कैसे जीवन जिया जाएगा, इसको लेकर के बात की गई, कैटास्ट्रॉफ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें और भी कैरेक्टर हैं जिन कैरेक्टर्स को मैं इसके आगे मतलब नहीं समझता कि मुझे डिस्कस करना चाहिए या चीजें रही है। अब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे आप उसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, या बुक में दिया गया पेज नंबर 328, 329, क्योंकि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आया था, आप थोड़ा सा इस आथर पर बात कर लीजिएगा, समय भी अब कम है, जो चीजें हैं उन्हीं में से हम लोगों को करना है, तो बहुत ज्यादा मैं इसके आगे नहीं ले सकता हूँ। एपोकैलिप्टिक फिक्शन क्या है, नावल क्या है, उसको लेके मैंने बात कर लिया। कुछ और जैसे इसमें है कि कैरेक्टर देहूति है, वो सिस्टर ऑफ मिस्टर विश्वास है, प्रताप एंड प्रसाद है उनके एल्डर ब्रदर है, कुल मिला करके एक ज्वाइंट फैमिली का जो जिक्र होता है।
उसका किया गया। वो चार तो मेन कैरेक्टर थे वहां पर। फिर उसके बाद उसमें बताया जाता है कि कैसे जो है ये त्रिनिदाद में गए, मोहन विश्वास त्रिनिदाद में पैदा। मोहन विश्वास का मतलब कि खुद वीएस नायपाल, वो जो है त्रिनिदाद में जो है पैदा होते हैं और उनके पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के हैं और वो भाइयों में जो है क्या है लास्ट नंबर पे है। तो उन्होंने अपनी लाइफ को ही लेकर के जो है बात किया हुआ है। तो यू फाइंड दिस थिंग व्हाट आई वांट टू से, इफ यू गो विद दिस पॉइंट, इफ यू टेक दिस पॉइंट, तो जस्ट गो टूडे, आज ही आप क्या करिए कि जो भी बातें हैं जैसे पेज नंबर 329, 328, 327 या 326, तो ये चार पांच पेज है, अगर आप चार पांच पेज इसको लेकर के एक बार पढ़ लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली काफी हद तक कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो और इम्पोर्टेंट नावेल है उसका भी लेकर के जिक्र किया गया है। अब बेंड इन द रिवर को लेकर के जिक्र है, द एनिग्मा ऑफ अराइवल का लेकर के, हाफ अ लाइफ को लेकर, मैं तो नहीं बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो बस मैं यहीं पे आपको एग्जिट कर रहा हूँ एंड वी विल मीट टुमारो।